अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूँ सैयद अली शाह पीर बाबा। आप देख रहे हैं अली रूहानी देसी दवा खाना। जो लोग मेरा चैनल देख रहे हैं दोस्तों, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरे चैनल में उन लोगों का इस्तकबाल है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक इतना बेहतरीन और पावरफुल उतार लेके आया हूं जो आप किसी भी जादू को खत्म कर सकते हो और किसी भी आसेब को खत्म कर सकते हो, चाहे जिन है, मसान है, परी है या जादू है। यानी कि आप आसेब हवा वाले के लिए भी कर सकते हैं और जादू वाले के लिए भी कर सकते हैं। पर इसको जो करना है आपको, वो शनिवार के रोज करना है। और क्या क्या सामान इसमें लगेगा मैं आपको भी बताता हूं। किसी पर जादू कराया हुआ है तो उसके लिए भी है, किसी के ऊपर आसेब आता है तो उसके लिए भी है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही पावरफुल, हर किस्म का जादू का खात्मा हो जाएगा और कैसी भी आसेब हो उसका खात्मा हो जाएगा। करना आपके शनिवार के रोज है इस उपाय को, इस उतारे को। करना यह है कि आप एक मिट्टी की हांडी ले लें, कच्ची मिट्टी की हांडी ले लें और हलवा जो हम लोग खाते हैं, हलवा बनाएं और हलवा बनाने के बाद उस कच्ची हांडी में थोड़ा हलवा रखें और हलवा रखने के बाद ऊपर से जो लकड़ी के कोयले होते हैं, 7 कोयले रखें उस हलवे के ऊपर फैलाकर, और थोड़े से उसके ऊपर कच्चे चावल डाल दें। जो चावल आते हैं कच्चे, वो ऐसे करके चावल जो है फैला कर डाल दें। और इसके बाद आप एक पीपल की टहनी कहीं से भी, छोटी इतनी बड़ी पीपल की टहनी मंगा लें और एक अंडा ले लें। इतना सामान आपको लेना है, पर अंडा और पीपल की जो टहनी है वो उसके ऊपर नहीं रखना है, वो आपको सिर्फ अपने हाथ में अलग पकड़ना है। यानी पीपल की टहनी और अंडा जो आपको मैंने बताया, वो आपको उस सामान के अंदर नहीं रखना है, वो केवल आप अलग रखना है आपको। वो आपने जो मिट्टी के हांडी में हलवा रखा और उसके ऊपर 7 कोले रखे और थोड़े से कच्चे चावल डाल दिए, बस ये सामान रखने के बाद जिस व्यक्ति के ऊपर, जिस इंसान के ऊपर, जिन्नात है या परी है या कोई भी आसेब है, उसके ऊपर 7 बार उतारें। और 7 बार उतारने के बाद उसको किसी भी चौराहे पर जाकर उसको ले जाकर रख दें और उसके बाद उसको उलट दें, यानी कि उल्ट को पलटा कर दें, जो सामान है वो नीचे गिर जाए उसको पलट दें। और पलटने के बाद जो आपके हाथ में पीपल की टहनी और जो अंडा आप ले गए थे वो आपको साथ ले जाना पड़ेगा। पीपल की टहनी और अंडा जो आप ले गए हैं साथ में, तो वो अंडा उस के ऊपर मारें जो आपने उल्टा कर दी है, मतलब जो प्लेट आप ले गए थे हलवा जिसमें था हुआ सामान जो आपने चौराहे पर रखा है उसको पलट दें, और पलटने के बाद उस पर अंडा मारें और अंडा इतनी जोर से मारें कि अंडा फूट जाए, और उसके बाद पीपल की टहनी उसके ऊपर रख दें। बस इतना करना है आपको, और आप खामोशी से अपने घर चले आएं, अपने घर आकर हाथ पैर धो लें। पर दोस्तों, एक बात का ये ध्यान रखें कि जब उस उतार को लेके जाएं तो रास्ते में किसी से बात ना करें, और जब उतारा लेके जाएं तब किसी से बात ना करें, और जब उधर से रख के आएं तब किसी से रास्ते में बात ना करें, और घर आकर अपने हाथ पैर धो लें। इस उपाय को करने से हर कस्म का आसेब और जादू जिन भूत खत्म हो जाएगा। ये बहुत ही पावरफुल उतारा है और उपाय है, ये मैंने आपको बता दिया, आप कर सकते हैं। एक ही शनिवार के रोज काम हो जाएगा, और अगर एक शनिवार के रोज ये काम ना हो तो इस उपाय को, मेरे बताए हुए को, आप 4 शनिचर बराबर करें। 4 शनिचर का इंशाल्लाह ताला नंबर नहीं आएगा, जादू जिन्नात आसेब सब कुछ खत्म हो जाएगा, चाहे सिपली जादू क्यों ना हो करोगा। ये बहुत ही पावरफुल है दोस्तों उतारा, आप करिए, फायदा उठाइए। दोस्तों, ये मैंने आपको बता दिया है, बहुत ही बेहतरीन। अगला कोई वीडियो आपके सामने फिर पेश करूंगा, जब तक अस्सलाम वालेकुम।
आदाब। और दोस्तों वीडियो खत्म करने से पहले मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरा नंबर वीडियो के नीचे ले सकते हैं, बात कर सकते हैं।